शॉट पुल किया आदित्य ने और चार रन मिल जाएंगे। शॉट खेलते ही नतीजा जानते थे। अच्छी शुरुआत और भोजपुरी दबंग के फैंस खुश जरूर। भोजपुरी दबंग के साथ साथ युवराज सिंह के भी फैन है, इसलिए उस स्टैंड को उन्होंने अपनी जगह बनाई है। और ये क्या खूबसूरत शॉट और वन बाउंस बाउंड्री। ये अच्छा फील्ड है लेकिन यहां पे चार मिलेंगे। आदित्य फाइन लेग के एरिया को टारगेट करते हुए बाउंड्री मिलेगी। शारजा में भी आदित्य का बल्ला चला था। मादा रखते हैं आदित्य अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने के लिए। यहां फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी नहीं हुई जैमी की ओर से और आदित्य को उसका फायदा मिला। अच्छी टेक्निक भी उस शॉट के पीछे और मनपसंद नतीजा भी मिला इस शॉट के साथ। 6 पॉइंट तक जा सकती थी भोजपुरी दबंग। बिल्कुल उसका फायदा मिला है। जैसा कहते हैं बदनसीबी किसी की बन जाती है, खुशकिस्मती किसी की, तो मुंबई हीरोज को वो फायदा मिला। और यहां पर नटमैक करती हुई गेंद गई है फील्डर को, चार रन मिल जाएंगे। अच्छा शॉट था आदित्य के द्वारा। फिर नजर डालिएगा और जो आपने नटमैक की बात करी ना, वो बॉल का टप्पा जो था ना, वो एज ऑफ द स्क्वायर पे जो विकेट है ना उस पर टप्पा पड़ा, इसलिए गेंद स्किड कर गई और इसलिए मुश्किल और हुई फील्डर को रोकने में। पर ये शॉट है करारा, मैक्सिमम डंके की चोट पे खेला हुआ शॉट करारा प्रहार आदित्य का। 163वां सिक्स इस सीजन टूर्नामेंट में। और बॉल की बैट से टकराने वाली वो मीठी आवाज आई जैसे ही कनेक्शन हुआ, उसके बाद आदित्य भी जानते थे क्या नतीजा है, सिर्फ निहारते रह गए गेंद को। और पावर प्ले की इस आखिरी ओवर में 14 रन आ चुके हैं अभी तक 3 बॉल्स में। गेंदबाज के लिए मुश्किल है जी, 6-3 के फील्ड के साथ गेंदबाजी करना। शॉट 6 और जिस तरह से स्विवल करके शॉट को अंजाम दिया, क्वालिटी क्रिकेट, बहुत जबरदस्त प्रहार था ये। एक बार फिर नजर डालिएगा यहां पे ना, शॉट किया इस बार गेंद को पिच और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आदित्य के बल्ले से एक और चौका, 4 ओवर के बाद 46 बिना किसी नुकसान के भोजपुरी दबंग।